आप कहोगे अगर अगला डिफरेंस भी 19 का होता तो यहाँ पे 19 प्लस 64 यूनिट डिजिट में क्या आता, 3। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं सीजीएल और सीएचएसएल के। नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलेंगे, चाहे वो टीयर 1 हो या टीयर 2। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, नंबर सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम आपको बता दें कि स्क्वायर, आपको नंबर्स का स्क्वायर 1 से लेकर के 40 तक इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। क्यूब की बात करें तो आपको क्यूब 1 से लेकर 25 तक आने चाहिए। टेबल की अगर हम बात करें तो 1 से 20 तक का टेबल आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। साथ ही साथ इतने के बाद आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। ठीक, प्राइम नंबर के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक कैलकुलेशंस फास्ट कैसे होनी चाहिए। ये इतनी चीजें अगर आपको पता है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे आप? तो सबसे पहले अगर कुछ भी लॉजिक क्लियर ना हो रहा हो तो डिफरेंस उठाइए। ठीक, डिफरेंस लीजिए। ये आपको बिल्कुल एक ऐसा ट्रिक है, कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता। ठीक, क्या है ये? जैसे 7 है और ये है 16, ये है 43, 124, 367 और ये क्वेश्चन मार्क। आइए देखिए, 7 से 16, 9, यहां से यहां आइए, ये कितना हो जाएगा? 27, 27। यहां पे डिफरेंस देखिए, 181, ये आ गया। कहने का मतलब है 9 से 27 हो रहा है इंटू 3, 27 से 81 हो रहा है इंटू 3, तो जस्ट आगे इंटू 3 करके जाएगा 243। और सही बात है, 243 का एडिशन 367 आएगा यहां से यहां, तो अगला जो नंबर जाएगा ये भी इंटू 3 करके जाएगा, यानी 729। तो 367 में 729 ऐड करिए, 367 729 1096 आंसर। ठीक, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, डिफरेंस से होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सीरीज है वो क्या है, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 क्वेश्चन मार्क, ये है। तो यहां से एक लॉजिक आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इन दोनों नंबर का सम 2 है, इन दोनों नंबर का सम 3 है, इन दोनों नंबर का सम 5 है, ये दोनों का सम 8, ये दोनों का सम 13, ये दोनों का सम 21। ठीक, 21 इज योर राइट आंसर। आसान था, और इस पर बेस अभी CPSI का जो पेपर हुआ था 2024 का, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि दो दो नंबर का एडिशन तीसरा नंबर मिलता जा रहा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, 25, 40 हो गया, 70, 115, 175 एंड क्वेश्चन मार्क। कुछ भी ना समझ में आए तो डिफरेंस लीजिए। मैंने अभी बताया 25, 40 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 15, 30, यहां से 40 से 70, यहां पे देखिए 45, यहां पे देखिए आपको होगा 60, अगला 75 का होगा। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि इनके बीच में जो गैपिंग है वो किसकी आ रही है, 15 की। इन सब के बीच में 15 की गैपिंग चल रही है,
ठीक 15 250 ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। 1,6,15,28 question mark 91 ये कैसे देखोगे? सबसे पहले डिफरेंस लीजिए। आप कहोगे डिफरेंस यहां से यहां कितने का होगा? 5 का, यहां पे 9 का, ठीक। यहां पे देखिए 15 से 28 13 का। अगला तो आप कहोगे सर यहां से यहां प्लस 4, यहां से यहां पे भी प्लस 4, तो अगला जो होगा वो भी प्लस 4 ही जाएगा, यानी 13 प्लस 4 आगे जाना चाहिए, ठीक। 13 प्लस 4 आगे जाएगा तो 13 प्लस 4 ठीक यानी 17 ऐड करिए 45। अब 45 से या तो ऑप्शन डायरेक्ट टिक कर दीजिए या आगे भी चेक कर लीजिए। तो आप कहोगे सर एक ही ऑप्शन में 45 मिल रहा है, यही आंसर होगा, और अगर नहीं आपको विश्वास है तो प्लस 4 इसमें भी ऐड कर लीजिए 21। जैसे ऐड करोगे यहां 66 मिल जाएगा, 45 एंड 66। नेक्स्ट पे आइए। यहां पे बोला गया है 2 question mark 17 26 37 50 65 82। आइए देखिए यहां से यहां पहले डिफरेंस लीजिए। आपको अगर 17 से 26 हो गया तो कितने का डिफरेंस आ रहा होगा? तो ये आ रहा होगा प्लस 9 का। यहां से यहां देखिए 11 का, यहां से यहां 13 का, यहां से 15, यहां 17। आप कहोगे ऑड नंबर ऐड हो रहा है, ऑड नंबर, तो यहां से यहां क्या ऐड हो रहा होगा? प्लस 7। यहां से यहां क्या ऐड हो रहा होगा? प्लस 5। यहां से यहां क्या ऐड हो रहा होगा? प्लस 3। तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 10, ये 17 कंटिन्यू हो गया, 5 एंड 10 आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। यहां पे क्या किया गया है? 1,2,4,8,10,20 क्वेश्चन मार्क। यहां से तो दिखाई दे रहा है कि सर ये डबल हो गया, लेकिन यहां पे 1 से 2 आप कहोगे ये भी डबल हो रहा है, 2 से 4 डबल हो रहा है, 4 से 8 डबल हो रहा है, लेकिन 8 से 10 डबल नहीं हो रहा है, यहीं पर ये सीरीज रॉन्ग हो रहा है। आप कहोगे फिर क्या किया गया होगा? मैंने कहा कि अगर यहां पे इंटू 2 किया जाए और यहां पे प्लस 2 कर दिया जाए, आगे फिर इंटू 2 और यहां से यहां प्लस 2, फिर अगला पैटर्न इंटू 2 का आया तो नेक्स्ट पैटर्न प्लस 2 का होगा, 20 प्लस 2 22। यूनिक पैटर्न था, अच्छा था ये, ठीक। नेक्स्ट पे आएंगे। से 90 से 154 हो गया। आपको 45 का डबल 90 होता है, लेकिन 90 का डबल 154 नहीं होगा, यहीं पर सीरीज ब्रेक हो रही है, तो आप कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या जुगाड़? यहां पे एक चीज है कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, वहां तक नहीं जा करके अगर हम देखें तो 8 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 90 हो जाएगा, लेकिन वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे। फिर क्या लीजिए आप, डिफरेंस रखिए, डिफरेंस देखिए 45 का, यहां से यहां 64 का, ठीक 64 का डिफरेंस, फिर यहां से यहां कुछ जाएगा, यहां से यहां कुछ जाएगा। 45 से 64
कितने का डिफरेंस दे रहा होगा ये? 19 का। आप कहोगे अगर अगला डिफरेंस भी 19 का होता तो यहाँ पे 19 प्लस 64 यूनिट डिजिट में क्या आता? 3, और 3 प्लस 4 करने पर 7 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शंस बनाएंगे इसको 21 अगर ऐड करें, 64 21 कितना आ जाएगा? 85 अगर ऐड करें तो ये 9 239 आया। ये पैटर्न आगे फॉलो करना चाहिए, यानी 19 21 तो 23, तो ऐड करिए 108, एड ऑन करिए आएगा, यानी कि 239 इज योर राइट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन, क्योंकि आपको ये यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि 19 और 21 ये अपने आप से यहाँ पे देखना है 21। अब बहुत स्टूडेंट सोचेंगे 21 क्यों आया, 19 ही आना चाहिए था रिपीटिशन में। नहीं, ये आपका सीरीज चल रहा है किसका? ऑड नंबर का, ऑड नंबर सीरीज। ठीक, नेक्स्ट अगला सीरीज है 31, 33, 37, 43, 51 क्वेश्चन मार्क। क्या ये नंबर्स प्राइम है? 33 प्राइम नहीं है, बाकी और प्राइम है, 51 भी प्राइम नहीं है। ठीक, तो आप कहोगे यहां से यहां जरा डिफरेंस देखिए 2 का है, यहां से यहां डिफरेंस 4 का है, यहां पे डिफरेंस देख लीजिए 6 का है, यहां पे 8 का, तो अगला डिफरेंस 10 का होगा, यानी कि इवन नंबर का सीरीज है। ठीक, इवन नंबर सीरीज, इवन नंबर सीरीज, तो जैसे ही 10 करोगे 61 आंसर होगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 12 से 13 हो गया, 12 से 13, फिर 30, फिर 99, फिर 412 क्वेश्चन मार्क। आप कहोगे नंबर सीधे एकाएक अपने से डबल ट्रिपल फोर टाइम होते जा रहे हैं, ये हो कैसे रहा होगा? समझिएगा, 12 से 13 हुआ, आप कहोगे इंटू 1+1 हो रहा होगा। 13 से कितना हो गया? 30, आप कहोगे इंटू 2+4 हो रहा होगा। 30 से 99 हो गया, इंटू 3+9 हो रहा है। अब यहां पे देखिए, प्लस 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, तो यहां इंटू 4+4 का स्क्वायर हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। आगे इंटू 5+5 का स्क्वायर जुड़ेगा, तो 412 इंटू 5 2060 + 25 2085। ठीक, 2085। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए ये रहा 324 722 1200 क्वेश्चन मार्क 2420। अब यहां से यहां देखिए, 324 से 722 हो गया, क्या हो रहा होगा? यहां से यहां पहले डिफरेंस देखिए, या ऐसे देखिए, डिफरेंस अगर देखना है तो 722 में से 324 माइनस करिए, ये आ जाएगा 8, नाइन, और ये बन जाएगा 3। ठीक, 398 का, यहां से यहां डिफरेंस कितने का आएगा? 722 है तो 7, अगर 700 माइनस करते तो 500 आता, 22 और माइनस कर दो तो 88, तो 488,
488, तो यहां से यहां क्या होगा, यहां से यहां डिफरेंस कितने का आया, 90 का। ठीक, 90 का। ऐसे ही डिफरेंस यहां पे भी चेक करेंगे, ठीक, ऐसा ही डिफरेंस आपको यहां पे चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर हम 90 के बाद 91 या 92 रखें तो यहां पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो 0 अगर ऐड करेंगे तो यहां कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप कहोगे ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो इसको हटाइए। नाइन्टी फोर ऐड करके देखिए, आप कहोगे टू ऑप्शन में एक जगह तो है, ये भी नहीं होगा, इसको हटाइए। 96 को ऐड करिए जरा, 96 को ऐड करके देखिए, ये आया 4, ये आया ये 584, तो ये तो ज्यादा हो जा रहा है, 1784 जो कि ऑप्शन में है नहीं। 1784 अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपको देखने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा, 1734 है, 1764 है, तो 1734 अगर लाना हो तो कैसे ला सकते हैं आप, तो यहाँ पे 86 को अगर हम ऐड करते, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये तो आएगा नहीं, 574 ज्यादा हो रहा है। अच्छा, यहां से यहां पे डिफरेंस कितने का आया था, 398 का, ठीक, यहां 488, तो डिफरेंस बना 90 का, ठीक। यहां पे 84 अगर किया जाए, 84 का डिफरेंस, तो ये कितना बन जाएगा, 82 का करिए जरा, 82 में क्या आएगा। अच्छा, 1734 लाने के लिए आपको ऐड कितना करना पड़ेगा, एक बार ये देख लीजिए, ठीक, तो 1736 है माइनस 1200, 536 चाहिए और 488 आपके पास है, तो कितना चाहिए होगा यहाँ से, 48 चाहिए होगा, और 64 लाने के लिए कितना चाहिए होगा, तो आप कहोगे 564 और यहाँ से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 76 चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ 76 चाहिए। 76 का मतलब कितना, ये आ जाएगा 564, 564 को ऐड करने पर 1764 आएगा, 1764 से 2420 लेके आना है, तो क्या किया गया होगा, यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितने का है, 14 का, यहाँ से यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 14 का, तो ये कितना हो जाएगा, 62, तो 62 का मतलब ये कितना हो जाएगा, 426, ठीक, और ये 626, 1764 में 626 अगर जोड़ा जाए तो ये इतना देगा, सही है, यानी 1764 ये हमारा आंसर है। तो यहाँ तक 10 क्वेश्चन रखते हैं नंबर सीरीज का, लॉजिकल सेट, नंबर सीरीज,
और नंबर बेस्ड एनालॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन आपके इन्हीं 3 टॉपिक से रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।